गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रॉब्लम नंबर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम नंबर 4 कराऊंगा। ए पॉइंट डी जिसका नाम दे दिया डी, 30 mm बिलो HP, 40 mm इन फ्रंट VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? बिलो HP इन फ्रंट VP, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 30 mm बिलो HP यहाँ चले आइए, 40 mm इन फ्रंट VP यहाँ चले आइए। इसको नीचे इसको राइट साइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेंट पॉइंट डी का लोकेशन पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट डी मिलेगा, आप समझ गए होंगे ये 40 है और ये 30 है, आप समझ गए होंगे 30 ये 40। आपको पता है फ्रंट व्यू VP टॉप व्यू HP में बनता है। आप बहुत फ्रंट व्यू VP में बनेगा तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल D है तो स्मॉल D लिखेंगे। फ्रंट व्यू में डैश लगता है, फ्रंट व्यू में क्या लगता है? डैश लगता है। टॉप व्यू में डैश नहीं लगता तो डैश लगा दिए। टॉप व्यू क्या होगा? ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू कहाँ बनता है? HP में बनता है। D को देखेंगे ऊपर से तो HP में HP हाँ, HP हाँ बनेगा। इस जगह का आप क्या लिखेंगे? D है तो कैपिटल D, कैपिटल D है तो स्मॉल D लिखेंगे। आपका इस शेप का नहीं रहता है, इस शेप का नहीं रहेगा पेज आपका बिल्कुल प्लेन रहेगा, इस तरह से रहेगा। रूल है हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, क्लॉक वाइज इधर ही है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बनाता है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बनाता है। इसको रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिएगा तो जब 90 डिग्री आए तो पहुँचेगा हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल वर्टिकल लाइन के ऊपर, ओवरलैप कर जाएगा, चढ़ जाएगा, उस पर आ जाएगा और ये वाला लाइन इस पर चढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमेशा देखिए हॉरिजॉन्टल को रोटेट करेंगे। फोर्टी हमारा इस तरीके से यहाँ चलाएगा, यानी डी यहाँ चलाए जी, देख लीजिए दोनों नीचे चले आए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्सिस लाइन के नीचे चले आए। यहाँ पे सपोज 40 है तो यहाँ से 40 मेजरमेंट कर लिए और इसका 4S से ज्वाइन कर दिए, ये हमारा हो गया D, ये क्या हो गया D, यानी हमारा ये टॉप भी डी टॉप भी 40 mm ये वाला जिसको रोटेट किए, और जो हमारा फ्रंट भी हो दोनों एक ही लाइन में आता है, दोनों एक ही लाइन में आ गया था। यहाँ से यहाँ 30 मेजरमेंट कर लीजिए, 30 यहाँ पे आ जाता, ये हो जाएगा हमारा डी डैश, क्या हो जाएगा डी डैश। इस तरह से अगर आपको दिखाना है दिखाइए, 40 और ये 30 mm। नोट यहाँ पे देख लीजिए, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो बोथ HP एंड VP कहाँ चले आए? एक्सिस लाइन के और बिलो एक्सिस लाइन। कहने का मतलब है फ्रंट भी और टॉप भी दोनों कहाँ चला है? एक्सिस लाइन के नीचे। हम आपको सिर्फ पॉइंट दिखाना है, लाइन हेल्पिंग है।
ठीक है, और आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम बनाते हैं, ये चीज़ हमको सीखनी है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो HP और VP बिलो एक्सिस लाइन, यही जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो HP VP क्या हो जाता है, यह एक्सिस लाइन हो जाता है। देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में था, दोनों हमारा ऊपर चला है एक्सिस लाइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो, यही हम लोग सीखते हैं। यानी हर क्वाड्रेंट में हो रहा HP VP चेंज करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि VP ऊपर होगा और HP नीचे होगा, ठीक है, हर क्वाड्रेंट पर चेंज करता है। लेकिन एक बात और याद रखें, जब हम लोग कोई प्रॉब्लम करेंगे तो इस सब चीज़ बातों का गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ओके।